कि मीलों दूर पाकिस्तान से आए हमजा दमदार 10 में जगह बना पाते हैं या नहीं बना पाते। प्लीज गिव इट अप फॉर हमजा मलिक। जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे, हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे, जानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। हम थे ढूंढते जिसे वो कमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए। गला नहीं ठीक हुआ अभी तक? अभी खांसी आ जाती है, क्या करूं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हमजा, दिस इज अ वेरी टफ प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे जो आपके साथ जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं और जो उनके सिलेक्शंस हैं और जिस तरह वो गा रहे हैं उसको निभा रहे हैं, वहाँ पे आपको यू नीड टू बी विद 100% एंड नॉट यू कैन टेक चांसेस विद लाइक खांसी आ जाती है या मेरा गाना ठीक नहीं था। You were struggling with the song. You were struggling to hold the note right, and that was very obvious. हम लोग भी बार दफ़ा परफॉर्म करते हैं और हमें भी पता होता है कि हमारा गला ठीक नहीं है, बट वो स्ट्रगल हम लोगों को नजर नहीं आने देना चाहते। Yes. You need to really work hard. जो शफकत भाई ने कहा, I agree with him. Yes. And देखते हैं क्या होता है। आई डोंट थिंक कि आज का आपका परफॉर्मेंस कुछ मज़ा आया। हमजा, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आप हमें आपकी स्टोरी थोड़ी सी बताएं कि आपकी सिंगिंग में शुरुआत कैसे हुई। एक कॉलेज फेस्टिवल था, हैलोवीन नाइट, और
पहली दफ़ा ज़िंदगी में परफॉर्म कर रहा था स्टेज पर. जब मैं परफॉर्म कर रहा था बड़ी ड्रामेटिक सी बात लगी कि मेरा ब्रेकअप हुआ हुआ था उसी टाइम हुआ हुआ दर्द, था दिल में दर्द, 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 दर्द. हमजा यस सर. ब्रेकअप और इतनी जल्दी सर? अभी तो अभी पार्टी शुरू हुई है. पार्टी शुरू हुई है. उसमें फिर ऐसा हुआ कि जब मैं परफॉर्म कर रहा था तो द गर्ल वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने परफॉर्म करने के बाद नीचे उतरा तो कुछ चार पांच लड़कियां मेरे पास आ गईं और तस्वीरें वगैरह बनाई. तो मैंने सिर्फ एनालाइज किया कि उसके बाद द गर्ल वॉज एक्चुअली कमिंग टू मी. तो आई फेल्ट इन दैट मोमेंट दैट म्यूज़िक इज़ एक्चुअली मैजिकल. और कुछ है म्यूज़िक में जो लोगों को खींच के लाते हैं. और दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट एक्चुअली जब मैंने चूज़ किया कि आई शुड स्टे टू सिंगिंग. और फिर मतलब चल रहा है नहीं, आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल. ओके थैंक यू वेरी मच ब्रो, यू टेक केयर, हैव अ सीट. थैंक यू.